हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक एंड गेम स्ट्रेटजी दिखाऊंगा। जी हां, जब आपके पास एक एक्स्ट्रा पोन होता है, ठीक है ना, तब आपको कौन सी पोजीशन क्रिएट करनी होती है और वो पोजीशन के बाद आप किस तरह से विन हो सकते हो। और दोस्तों, वो जो पोजिशन होती है उसको लुसेना पोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। और उसमें जो विनिंग मेथड है उसको हम बोलते हैं ब्रिज बिल्डिंग। तो उसको समझने के लिए ये जो पोजिशन है डिस्कस करते हैं। पोजिशन में क्या होता है दोस्तों, आपका पोन जो है ऑलरेडी 7th रैंक पे पहुंच गया है, ठीक है ना, और आपका किंग जो है और उसके पीछे उसको सपोर्ट कर रहा है। बट यहाँ पे इश्यू ये है कि जो ब्लैक का सामने वाले का रुक होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है दोस्तों, एक साइड से किंग के निकलने की जो जगह है, ठीक है ना, वो प्रिवेंट करके रखता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तीनों जो स्क्वेयर है, ठीक है ना, वो ब्लैक रुक ने प्रिवेंट करके रखे हुए। वो दूसरी बाजू जो होता है वो ब्लैक का किंग होता है, जो ये दो स्क्वायर किंग के भागने के, दो दो स्क्वायर निकलने के, जो दो स्क्वायर नॉट भागने के, ठीक है ना, उसको प्रिवेंट करके रखता है। सो बेसिकली क्या होता है, हमारा किंग मूव नहीं हो सकता। अगर किंग मूव नहीं होगा दोस्तों, तो आपको पॉन जो है वो क्वीन कभी नहीं बन पाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे किस तरह से विन हो सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए आप पहले ये ट्राई करो कि खुद यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करो, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए वीडियो पोस्ट करो। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली प्रोसीजर है वो पहले रुक का चेक देना है, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी मूव है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ब्लैक की मूव होती है तो ब्लैक भी यहाँ पोजीशन में और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपना रुक जो है वो सेम सी फाइल पे मूव कर सकता है। सो यहाँ पे हम पहले चेक देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि ब्लैक के किंग को दूर ही जाना पड़ेगा। अगर ब्लैक के किंग फिर भी पोन के नज़दीक रहने की ट्राई करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन है पोन के नज़दीक रहने का, देन दोस्तों हम सिंपली किंग मूव करेंगे किंग के सामने एग्जैक्टली यहाँ पे e8 पे। और अब प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट मूव में क्वीन बना रहा हो चाहे ब्लैक कुछ भी कर ले, ठीक है ना। अफकोर्स वो रुक यहाँ पे रख के, मतलब d1 पे रख के जब हम क्वीन बनाएंगे d8 पे, ठीक है ना, उसको कैप्चर कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो पोजीशन है उसमें रुक एंड किंग वर्सेस द अलोन किंग इज जस्ट विनिंग। सो बेसिकली रुक चेक के बाद किंग e6 मूव जो है, ठीक है ना, ये ब्लंडर है ब्लैक की। सो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी है वो है किंग टू g6। यहाँ पे इश्यू ये है कि जब भी हम अपना किंग मूव करेगा, ब्लैक का रुक क्या करेगा, हमको चेक देने की ट्राई करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हमें पोन मूव करना है, ठीक है, तो किंग बाहर निकालते हैं तो रुक चेक देता है, वापस किंग यहाँ पे जाते हैं रुक चेक देता है, अब हम किंग इधर या इधर कहीं पे भी जाते हैं वापस रुक चेक देता है, और वापस जब हम नीचे आते हैं दोस्तों तो प्रॉब्लम है, वापस रुक चेक देता है। और इश्यू ये है कि जब किंग हमारा जो है वो वापस नीचे नहीं आ सकता और कहीं पे उसको पोन के प्रोटेक्शन के लिए जाना ही पड़ेगा, और उसके बाद ये चेक का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह से वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। सो बेसिकली किस तरह से विन किया जाए, तो दोस्तों जब भी, ठीक है ना, इस पोजीशन में रुक उसका चेक देता है, तब आपको कुछ ऐसी ट्राई करनी चाहिए कि आप बीच में अपना रुक जो है उसको ब्रिज की तरह यूज़ करो। और इसीलिए इस प्रोसेस का पूरा नाम है वो ब्रिज बिल्डिंग है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, पहले हमने चेक दिया, अब किंग कहीं पे भी मूव करे, जैसे कि हमने बोला था कि जो मेन इंपॉर्टेंट मूव है किंग g6, वो दोस्तों यहाँ पे हम जो सामने वाला है उसकी 5th रैंक पे अपना रुक रखेंगे। तो सामने वाले की 5th रैंक कौन सी है, ये सामने वाले की पहली है, दूसरी, तीसरी, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो हम अपना रुक उसकी 5th रैंक पे रख देंगे। और प्रॉब्लम ही अब इश्यू ब्लैक के लिए है दोस्तों, व्हाइट जो है वो जिगजैग करके अपना जो किंग निकालेगा, और जब रुक चेक देगा ब्लैक का, ठीक है ना, तब वो रुक जो है वो बीच में डालने की ट्राई करेगा, ठीक है। सो यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए, अब अगर किंग जो है, ठीक है ना, ब्लैक का किंग रुक पे अटैक करता है दोस्तों, देन हम सिंपली जो पोन की दूसरी बाजू वाली फाइल है उस पर अपना रुक रख लेंगे। और अब तो दोस्तों ये सब प्रोसेस करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मूव में या फिर एक मूव के बाद हम अपना किंग है सिंपली निकाल लेंगे, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली विनिंग। उसके बाद पोन पुश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल किंग यहाँ पे f5 पे, देन रुक टू सिंपली e2, और अब नेक्स्ट मूव में मैं जो कि अपना किंग e8 पे निकाल लूँगा और d8 पे क्वीन बना दूंगा आपको। सो किंग जो है हमारे रुक पे अटैक नहीं कर सकता जब हम अपना रुक जो है वो 4th रैंक पे रखते हैं, तो ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा दोस्तों, वो अपने रुक से एक वेटिंग मूव करेगा, ठीक है ना। सो रुक c2, और अब हम अपना किंग निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए, वो सेम चीज़ प्रोसेस हो रही है, वापस जो उसका रुक है वो हमें चेक दे रहा है, तो हम इस तरह से जिगजैग करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। अगेन आप नीचे नहीं जा सकते अगर आपका पोन चला जाएगा। सो मैं किंग e6 चलता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों, अगर ब्लैक कुछ और खेलता है, देन हम सिंपली जो अपना रुक है वो e4 पे ले लेंगे, और उसके बाद किंग e7 और
वो हो जाएगा। सो बेसिकली रुक जो है वो चेक ही देता रहेगा, चेक और किंग गया D5 पे, और अब रुक का चेक। और दोस्तों अब जो है वो रुक टू D4, और देखिए दोस्तों ये ब्रिज बन गया। अब जो है रुक से कोई और फर्दर चेक पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट मूव में मैं अपनी क्वीन बनाने वाला हूँ। सो बेसिकली दिस पोजीशन इज विनिंग। ऑफ कोर्स वो रुक से रुक मार सकता है, किंग से रुक मारा, और अब D8 पे क्वीन बनाने से कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता है कि नहीं। सो दोस्तों ये जो पूरी प्रोसेस है रुक को बीच में रखने की, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ब्रिज बिल्डिंग। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अपने रुक को सामने वाले की 5th रैंक पे रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सामने वाले की 5th रैंक पे रख दो, और उसके बाद अपने किंग को जिगजैग करते हुए बाहर निकालो, और ऑफकोर्स आपका जो किंग है वो जल्दी ही निकल जाएगा, ठीक है ना। और हम ब्रिज बिल्डिंग बना के जो प्रोसेस मैंने दिखाई वो करके आप अपना पोन जो हो क्वीन बना सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप शायद ये सोच रहे होगा कि इस पोजीशन में रुक को 4th रैंक पे रखने की क्यों ज़रूरत है, वापस रुक क्या नहीं यहाँ पे रख सकते, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाया रुक E2, और इस फाइल पे नेक्स्ट मूव में मेरी थ्रेट होगी किंग टू E8। नहीं दोस्तों ये नहीं हो सकता, क्योंकि किंग जो है वापस वहीं पोजीशन पे चला जाएगा, और अगेन आपका किंग जो है वो लॉक हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा, ठीक है ना। जब आप रुक F4 यानी 4th रैंक पे रखते हो, और जब किंग उस पे अटैक करता है, तब ऑफकोर्स आप जो है वापस ई फाइल पर ट्रांसफर हो सकते हो दूसरी वाली, क्योंकि अब किंग जो है वो हमारे किंग को लॉक करने के लिए वापस नहीं जा सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेनूवर है दोस्तों, आपका रुक कहाँ पे रखना है, सामने वाले की 5th रैंक पे, ठीक है ना, और बाद में किंग को जिगजैग करके निकालना है, ठीक है, कुछ इस तरह से किंग हमने हमारे निकाला, और अब रुक चेक देगा उसका, अदरवाइज हम सिंपली रुक टू E4 खेलने वाले थे, सो इसलिए उसको चेक देना 4 से, ठीक है ना। अब किंग हमारा वापस पोन के प्रोटेक्शन के साथ साथ बाहर निकलेंगे, हम वापस बाहर निकलेंगे, और जब हम 4th रैंक पे आ जाए दोस्तों सामने वाले की किंग, तब जब रुक चेक देता है तब रुक को 5th रैंक पे लाके, ठीक है ना, हमें ब्रिज बिल जो ब्रिज है वो फिनिश करना होता है, और यहाँ पे दोस्तों गेम फिनिश हो जाती है एंड वाइट इज़ कम्प्लीटली विनिंग, ठीक है ना। तो ये तो था दोस्तों लुसेना पोजीशन, ठीक है ना, जिसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा पोन हो तो आप किस तरह से विन कर सकते हो। मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको एक और मेथड या ट्रिक दिखाऊंगा, जिसको बोलते हैं फील्डर पोजीशन, जहाँ पे क्या होता है एंड गेम में आप एक पोन डाउन हो फिर भी आप गेम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं पजल की ओर। दोस्तों पजल के साथ साथ मैं साइड में जो है वीडियो के साइड में, ठीक है ना, जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनका नाम डिस्प्ले करता रहूंगा, बट इस टाइम जो है पजल का सही आंसर काफ़ी कम लोगों ने दिया था, ठीक है ना। और ये रही दोस्तों पजल आपकी स्क्रीन पे, यस जस्ट अ सेकंड, ठीक है ना, ओ ये रही आपकी स्क्रीन पे पजल। यहाँ पे दोस्तों ब्लैक की मूव थी, ठीक है ना, और हमने देखा था कि वाइट जो है नेक्स्ट मूव में नई क्वीन भी बना रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लैक की मूव है वो है रुक कैप्चर H3, ठीक है ना। यहाँ पे अगर वाइट जो है क्वीन बनाता है दोस्तों, देन हम सिंपली क्वीन टू H1 और चेकमेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों रुक कैप्चर H3 के बाद किंग कैप्चर H3 भी पॉसिबल है, ठीक है ना। उस केस में हम खेलेंगे क्वीन टू H1 चेक, और एक ही लीगल मूव है क्वीन H2, और उसके बाद क्वीन कैप्चर F3 चेक। और दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पर्सन ने मुझे यही बताया, क्वीन G3 एंड क्वीन कैप्चर G3 चेकमेट। क्यों आप ये मूव जो है मिस ही कर रहे हो, किंग कैप्चर H4, बहुत कम लोगों ने ये मूव देखी है, ठीक है ना। और यहाँ से सही सॉल्यूशन दिया है, और यहाँ पे भी दोस्तों दो वेरिएशन है, ठीक है ना। यहाँ पे बिशप E7 चेक के बाद किंग जो है पॉन टू H4 भी खेल सकता है, जो ऑलमोस्ट किसी ने नहीं बताया, सॉरी पॉन टू G5 खेल सकता है, जो ऑलमोस्ट किसी ने नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है किंग जाएगा H5 पे, और जहाँ पे G6, किंग H6, और अब क्वीन टू E3 चेक, और क्वीन बीच में डालनी 4 से क्वीन F4, और क्वीन कैप्चर F4 चेकमेट हो जाएगी। बट यहाँ पे G5 तो बीच में आ सकता है, तो फिर क्या दोस्तों, यहाँ पे अगेन एक बिशप सेक्रीफाइस आएगा, बिशप कैप्चर G5, किंग कैप्चर G5, पोन टू H6, H6 चेक, और यहाँ पे दोस्तों अगर किंग G6 जाता है देन क्वीन टू G4 चेक एंड मेट, ठीक है ना। सो बेसिकली किंग कैप्चर G5 पोन F6 चेक, और किंग G6 जाएगा तो क्वीन G4 चेकमेट हो जाएगी। सो किंग पीछे जाएगा H4 पे, दैट इज़ द अनदर लीगल मूव, और उसके बाद पोन टू G5 एंड चेकमेट। सो दोस्तों इस बार पूरा वेरिएशन किसी ने नहीं बताया फिर भी, ठीक है ना, जो लोग ने यहाँ तक दिखाया है क्वीन कैप्चर F3 के बाद किंग कैप्चर H4 पॉसिबल है, ठीक है ना, उनका नाम जो है वो मैं डिस्प्ले करूँगा, और काफ़ी कम लोग हैं दोस्तों इस बार। पजल वैसे हार्ड ही थी, लेकिन लेकिन जो सही आंसर है वो ये भी नहीं है, तो उसका सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है ना। सही आंसर दोस्तों ये है कि रुक कैप्चर H3 के बाद आपको
व्हाइट से भी जो अच्छी मूव है वो फाइंड करनी थी, और व्हाइट से दोस्तों अच्छी मूव क्या है, ठीक है ना। इफ पॉसिबल आप यहाँ पे अगेन वीडियो पॉज करके सोचो। रेडी दोस्तों, यहाँ पे जो मूव है वो है क्वीन टू F1, और दोस्तों अब जो व्हाइट है वो लॉस नहीं हो सकता, दिस गेम इज ड्रॉ, ठीक है ना। और ड्रॉ करने के लिए भी जो ब्लैक है उसको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। हम देंगे अब रुक टू G3 चेक, अफकोर्स किंग F2 पे ही जाना पड़ेगा। किंग कहीं पे और मूव होता है जैसे कि किंग टू H2, देन तो सिंपली दोस्तों हम क्वीन कैप्चर F1 चेक खेल देंगे। और अब जो हम है नेक्स्ट मूव में अगर ध्यान नहीं रखता है तो देन क्वीन G1 चेकमेट कर सकते हैं, या फिर क्वीन टू जो H3 है वो भी चेकमेट है, ठीक है ना। सो बेसिकली पोन जो है प्रमोट नहीं किया जा सकता इस पोजीशन में, तो वो विनिंग है। सो इसीलिए किंग F2 खेलना यहाँ पे फोर्स है, उसके बाद हम खेल सकते हैं रुक कैप्चर F3 चेक, और अब किंग कैप्चर F3 खेलना फोर्स है। अदरवाइज किंग कहीं पे भी मूव होगा तो हम क्वीन से क्वीन मार के विथ चेक देंगे, फॉर एग्जांपल दिस एंड क्वीन कैप्चर क्वीन चेकमेट। सो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं था। सो इसीलिए जब रुक कैप्चर F3 चेक आता है दोस्तों, किंग कैप्चर F3 फोर्स है, और उसके बाद क्वीन कैप्चर F1 चेक, और ये जो पोजीशन है दोस्तों उसमें परपेचुअल हो जाएगा। मीन्स देखिए अगर कहीं पे भी जाएगा वाइट का किंग, हम चेक कंटिन्यूस देंगे। फॉर एग्जांपल किंग E3, क्वीन G1 चेक, क्वीन D3, ठीक है ना, क्वीन F1 चेक, किंग E3 वापस, और ये सिलसिला दोस्तों यूं ही चलता रहेगा। आप चाहो तो खुद बोर्ड पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। और किंग अगर कहीं पे भी फोर्थ रैंक पे भागने की ट्राई करता है दोस्तों एस्केप होने की, देन कई बार हम क्या कर सकते हैं, इस पोन को मार के विथ चेक, मतलब कैप्चर विथ चेक दे सकते हैं, और उसमें शायद जो व्हाइट का किंग है उसके फंसने के भी चांसेस हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते, हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते। सो एक गेम जो है वो ड्रॉ हो जाएगी एंडेड इन ए परपेचुअल चेक, ठीक है ना। तो रुक कैप्चर H3 काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव थी फाइंड करने की, लेकिन उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव थी क्वीन टू F1 फाइंड करने की, ठीक है ना। जिन लोगों ने ये फाइंड किए हैं उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आई थिंक 3 या 4 ही बंदे हैं, ठीक है। तो अब आइए शुरू करते हैं, सॉरी अब चलते हैं आज की पजल की ओर। सॉरी, ओके। तो दोस्तों ये है आज की पजल, और इसमें यहाँ पे अभी वाइट की टर्न है, ठीक है ना। अगेन दोस्तों आपको पोजीशन जज करनी है। देखिए यहाँ पे ब्लैक जो है ऑलरेडी 3 पोन आगे हो चुका है, ठीक है ना। सो अगर आप प्लेएबल पोजीशन भी अचीव करते हो फिर भी आपके लिए अच्छा होगा, बट यहाँ पे वाइट के लिए एक काफ़ी अटैक करने का चांस है। सो दिस इज़ अ हिंट। सो आप चाहो तो, ठीक है ना, उस हिंट का इस्तेमाल करके सोच सकते हो। सो दोस्तों ये थी आज की पजल जिसमें वाइट की मूव है, डू रिमेम्बर। और दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।